तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई मेटल है और उसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉन्स्टेंट है, और उसके सरफेस पर आपने क्या बोला है कि उसके सरफेस पर कौन है? उसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स है। सबको पता है मेटल के सरफेस पे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी फोटोन स्ट्राइक करेगा ऑन द मेटल सरफेस, अब सपोज दैट इस फोटोन की एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम क्या सोचते हैं कि अगर एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक फोटोन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट आउट करेगा, चाहे वो कितनी भी एनर्जी का हो। दैट मीन्स यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो किसमें निकली? इजेक्शन में निकली। बाकी जो बची हुई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो क्या होगी? वो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन होगी। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट बोलता है फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, एक फोटोन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, चाहे उस फोटोन की एनर्जी कुछ भी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से लेकिन ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जैसे ही फोटोन एनर्जी पैकेट स्ट्राइक करेगा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, तो फोटोन के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही फोटोन ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि भाई हर एक फोटोन जो होगा उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। और अगर हर एक फोटोन की एनर्जी अलग अलग है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं यानी बाहर निकल रहे हैं, उन सबकी एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स सपोज दैट एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है जिसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखो, और एक है जिसकी 15 है। अगर फोटोन की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 10। अगर फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अलग हो सकती है, वो मैक्सिमम भी हो सकती है और वो मैक्सिमम से कम भी हो सकती है। मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप लोग डिनोट करते हो कैपिटल वी, या वी नॉट यूज कर लो आप। पोटेंशियल इज नोटेड बाय वी, पोटेंशियल इज वोल्टेज, तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल एक फिक्स पोटेंशियल है ना, तो उसको हम वी नॉट कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब आप लोग दो इलेक्ट्रोड्स को एक डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हो, जब आप दो इलेक्ट्रोड को एक डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हो और एक एनोड होता है और एक कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। तो हो क्या रहा है, कैथोड के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। बोलो, कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे। लेकिन अभी अभी क्या पढ़ा, हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दैट मीन्स सपोज दैट
मैंने बोला इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। देखो कौन सा पहुंच पाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच पाएगा। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लेते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद करो जिस प्रोटॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, द पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन द पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग रोकने के लिए उस फोटो इलेक्ट्रॉन को जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब कैसे रोकोगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, ऐसे हाथ से इसको ऐसे रोक दिया, ऐसे रोकोगे क्या, ऐसे थोड़ी रोकोगे। फिर क्या करोगे, बैटरी को उल्टा कर दो, बैटरी को रिवर्स कर दो। नॉर्मली जब यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई थी तो पहले टर्मिनल ऐसे लगे हुए थे, ऐसे, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। अब आप क्या करो, बैटरी को उल्टा कर दो, जैसी बैटरी को रिवर्स करोगे, दैट मीन्स जैसी बैटरी को रिवर्स करोगे यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो फट से जैसी चार्ज चेंज हुआ वैसे यहाँ से एक इसको रोकने की कोशिश की गई, एक पोटेंशियल अप्लाई हुआ। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। तो जब बैटरी उल्टी कर दी तो यहाँ से पोटेंशियल जनरेट हुआ और उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सबको पता है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और वर्क ही जो है, देखो जब इसको जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, वर्क जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट वर्क हो रहा है। कहाँ वर्क हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट। दैट इज क्या बोल सकते हो कि वर्क किसके अपोजिट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हुई, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई। कैसे बदल गई, आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इक्वल्स टू 5+ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन जब वोल्टेज अप्लाई हो गए, पोटेंशियल अप्लाई हो गया, तो अब फॉर्मूला चेंज हो गया, इक्वल्स टू 5+ काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या लिखा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट मीन्स क्यू इंटू पोटेंशियल। तो एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया है एनर्जी का, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह आप किसको यूज करते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में उसको यूज करते हो। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में क्वेश्चन आ गया तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, इससे हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो हमारा टॉपिक। तो वो टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी। क्या है हमारा टॉपिक, इंटेंसिटी। तो चलो देखते हैं क्या होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज नोटेड बाय कैपिटल आई। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटेंसिटी होता क्या है। अगर आपके पास एक मेटल का सरफेस है, एक और ले लेते हैं, चलो आपके पास दो मेटल के सरफेस है, दोनों का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। अगर दोनों का एरिया सेम है, और मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि यहाँ से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं फोटोन्स,
इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं कौन? फोटोन्स। इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं फोटोन्स। सेम इस मेटल का भी एरिया सेम है, और इसके ऊपर भी कौन स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चों? इसके ऊपर भी स्ट्राइक कर रहे हैं फोटोन्स। इसके ऊपर भी स्ट्राइक कर रहे हैं कौन? फोटोन्स। एच न्यू मतलब मैं उसकी एनर्जी बता रहा हूँ बस। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों फोटोन्स में बात करूँ, इन दोनों मेटल्स की बात करूँ, तो कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है? इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स वॉट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, है ना? तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे होंगे। दैट मींस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। यही पूछा जाता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जरा मुझे बताओ क्या इंटेंसिटी को बढ़ाने पर, क्या इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा क्या? दैट मीन्स अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जहां पे मैं एक तरफ इंटेंसिटी लिख रहा हूं और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब मुझे बताओ क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे? अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे? दैट मीन्स इंटेंसिटी बढ़ने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो छोटा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं उसको भी यहाँ ग्राफ के थ्रू ही बनाएंगे उसको भी अपन, पहले इसको समझ लेते हैं ना, वापस से लिखते हैं इसको मिटा करके। देखो यहीं पे एक ग्राफ और बनता है, वो बनता है इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी। अब यार देखो, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, या आप बोल सकते हो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं पहले फिर हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, है ना? जरा देखो, अगर आपका मेटल का सरफेस है और उसके ऊपर फोटोन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल सरफेस पे चार फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पर छह फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। इसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन क्या इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ रहा है? सोचो, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो किस पे डिपेंड करेगी? अगर मेटल का सरफेस है फाइव वर्क फंक्शन, और ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइव है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एनर्जी ऑफ फोटोन पे। किस पे डिपेंड करेगी? एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां पर इंटेंसिटी क्या एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बता रही है? इंटेंसिटी क्या एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बता रही है? नहीं बता रही। इंटेंसिटी तो क्या बता रही है? कि कितने फोटोन जो है वो स्ट्राइक करें। एनर्जी कुछ भी हो उसको कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी को कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी कितनी है उसको क्या लेना देना है? कि भैया कितने फोटोन्स ने स्ट्राइक किया है, क्या लेना देना है? कितने फोटोन ने स्ट्राइक किया। दैट मीन्स इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है, देखो यहां से इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। सेम अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे और मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, और अगर एनर्जी नहीं बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी नहीं बढ़ेगी
तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। यानी अगर मैं एक ग्राफ और प्लॉट करूं जहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह अब की बार रख दूं फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। यही है हमारा बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम खत्म करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के लिए इतना।